UVMS सृजन यूट्यूब चैनल रो एही वीडियो रे मु समीर कुमार साहू समस्त को स्वागत जनाउची। एही वीडियो रे आमे तृतीय श्रेणी गणित बही रो आगो पछ जानिबा पाठ पढ़िबा। एथिरे आमे पूर्ववर्ती संख्या, मध्यवर्ती संख्या ओ परवर्ती संख्या विषय रे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे देखिबा पूर्ववर्ती संख्या। यही पूर्ववर्ती संख्या कौन मैंने पूर्ववर्ती संख्या कहले कौन देख जदि यहीटा होनि संख्या मनेकर यहाँ तीनोटी संख्या तो यहाँ गोटे संख्या है यार पूर्ववर्ती संख्या हूँ यार आगरे थिबा संख्या यार पूर्ववर्ती संख्या यह आगे थी संख्या पूर्ववर्ती संख्या को आग संख्या बोली कहा जाए तो एबे यह विषय रे देखिबा। देख गोटे संख्या रु एक वियोग कले जो संख्या मिले कौन गोटे संख्या रु एक वियोग कले जो संख्या मिले ता उक्त संख्यार मान से ही संख्यार पूर्ववर्ती संख्या माने गोटे संख्यार एक वियोग कले आमको जो संख्या मिले आम जो संख्या पाऊ ता तार पूर्ववर्ती संख्या। देख यहीटा हूँ एक दुई तीन चार पांच यहाँ पांच टी अंक संख्या लिखला तो यही पांचर पूर्ववर्ती संख्या के देख पांचर पूर्ववर्ती हूँ ताठार एक विजय करवा एक विजय कले है चार तो ये चारि हूँ पांचर पूर्ववर्ती संख्या तो पांचर पूर्ववर्ती संख्या के पांचर पूर्ववर्ती संख्या है चार चारु पुणी एक विजय करवा चारु एक विजय कले के तीन तो ये तीन हो चार पूर्ववर्ती संख्या। एबे आम जदि तीन रु एक विजय करवा ताल पाइबा दुई तो तीन र पूर्ववर्ती संख्या हूँ दुई जेकोसी संख्यार जदि आम एक विजय करवा संख्या विजय एक समान जो संख्या मिलिबो विजय फल जो संख्या है से ही संख्या उक्त संख्यार पूर्ववर्ती संख्या। यही पूर्ववर्ती संख्याटी उक्त संख्याटार मानने से ही संख्याटार एक सान होता है केते सान होता है ता से ही संख्याटार एक सान होता है तो ये आम देखा दस पूर्ववर्ती संख्या के तो देख दस पूर्ववर्ती जानापी आम कौन करवा दस रु एक वियोग करवा तो वियोग कले हम नौ ताल नौ हो दस पूर्ववर्ती संख्या। एवं तीन अंक विशिष्ट गोटे संख्या नवा और तार पूर्ववर्ती संख्या लिखा देख संख्याटी है एकश पैंचाश एकश पैंचाश पूर्ववर्ती संख्या के तो आस देखा एकश पैंचाश रु के वियोग करवा आम एक विजय करवा जो संख्या देख विजय कले हम एकश चौरालीस तो यही एकश चौरालीस हो पैंचाश पूर्ववर्ती संख्या यह एकश पैंचाश ठार एक स्थान अटे। यही संख्याटी हूँ एकश चौवन यार पूर्ववर्ती संख्या के आस देखा एकश चौवन रु एक को विजय करवा तो विजय कले हम चार गले तीन तेल पांच तापर एक एकश तेपन तो यह एकश तेपन एकश चौवन पूर्ववर्ती संख्या है एकश तेपन तो देख यही पूर्ववर्ती संख्या यहाँ आम कौन बोली कहू यहाँ कह तो आम पूर्व संख्या यह हूँ उक्त संख्यार पूर्व संख्या माने तार आग संख्या ता आगर जो संख्या थाए यह हूँ तार पूर्ववर्ती संख्या यह से ही संख्याटार एक स्थान अटे। कौन सी संख्यार एक वियोग कले तार पूर्ववर्ती संख्या मिली थाए जदि आम गोटे संख्यार एक वियोग करवा तो आमको तार पूर्ववर्ती संख्या मिल
एकश पैंचाश पूर्ववर्त संख्या हूँ एकश चौरालीस आउ एकश चौवन पूर्ववर्त संख्या हूँ एकश तेपन। तो यही दुईटी तुम लक्ष्य कर, देख एकक घर अंक को देख ए पांच अच्छी तो तार पूर्ववर्त संख्या है चार, ए पांच अच्छी तो तार पूर्ववर्त संख्या पाँच रु एक विजय हो गला है चारि, तो तार पूर्ववर्त संख्या है चारि रहा। ए देख ए चार अच्छे एकक घर तो चारि रु एक विजय कले के तीन, तो से पूर्ववर्त संख्या आगे तीन रहा आउ जो दुईट अंक था ता सही अंक ही रही है। ये गोटे संख्या नहीं कि देखा यह है दुईश अठाईस एथर आठ अच्छे एकक घर तो यही आठ रु एक विजय कले के ना एथर आठ विजय कले सात हे, तो तार पूर्ववर्त संख्यार एकक घर सात रो आगे अच्छी बैश से ही बैश से ही संख्यार आगे रख यह नौश बयालीस यार एकक घर अच्छे दुई, तो ये दुई रु आम एक विजय करवा तो कैसे हम एक हम तेल तार पूर्ववर्त संख्यार एकक घर एक रो ओ नौ अच्छे जो चौरानबे अच्छे ताको आम आगे लिखिदे नौश एक चालीस यह एकश अठानबे एथिर एकक घर आठ अच्छी तो आठ रान संख्या अच्छे सात उन्नीस को आम लिखिदे तो यह एकश सतानबे एकश सतानबे पूर्ववर्त संख्या देख सात ये तो छ लिखला और उन्नीस को लिखा एवं देख यार यार एकक घर छ अच्छी तो छ रु आम एक विजय करवा विजय कले हम पांच और एक उन्नीस को आगे लिखिदे तो यह एकश पंचानबे से हीपरी एथिर एक घर पांच अच्छी यार पूर्ववर्त संख्या लिखले पाँच रग संख्या हम चार उन्नीस को आम लिखिदे ठीक अच्छे यह एकश चौरानबे यार पूर्ववर्त संख्या हम एकश तेयानबे। तो यार देख देख तुम्हें जदि एक घर न थे पूर्ववर्त संख्यार आठ थी आठ हेल्ले सात हे सात छ छे हम पांच पांच थी हम चार एक घर चार हे पूर्ववर्त संख्यार तीन तापर तीन थी हम दुई दुई थी हम एक घर एक थे ताब शून गोटे तीन अंक विशिष्ट संख्या अच्छी मनेकर यार एक घर शून अच्छी मनेकर संख्याटे एकश अशी, तो यार पूर्ववर्त संख्या किपर जाणी देख यार दशक एकक घर अंक को नहीं जो गठित संख्या अशी से आम एक विजय करदे तो यह अणाशी तापर आर संख्या को एक को लिखिदे यह एकश अणाशी से हीपरी दुईश चालीस रहा यार एक घर शून अच्छी तो यह चालीस पूर्ववर्त संख्या अणचालीस और यह दुई लिखिदे तो यह दुईश अणचालीस तो शून थे आम कौन करवा न हो और तार दशक स्थान अंक एक कमीज आठ थी यह सात है एक कमीगला एथेर चार अच्छी तो तीन है एक कमिके तीन है एकक स्थान शून थे न हो और पूर्ववर्त संख्यार मैंने दशक स्थान अंक एक विजय करवा आम तार पूर्ववर्त संख्या पाइबा जमी ना दुईट अंक को नहीं गठित संख्या से दशक एक स्थान एक विजय करदे तो आम तार पूर्ववर्त संख्या पाइबा। एवं आलोचना करवा परवर्ती संख्या पर कहले कौन पर अर्थ हो पछ यही पछ संख्या परवर्त संख्या से संख्या ठार एक बड़ होता है मैं जो संख्यार परवर्त संख्या अटे से ही संख्या ठार एक बड़ अटे जेकोसी संख्या ठारु एक बड़ संख्याटे से ही संख्यार परवर्त संख्या अटे। तो ये देखा परवर्त संख्या विषय देख कौनसी संख्या रे एक जोग कले जो संख्या मिले ता उक्त संख्यार परवर्त संख्या अटे मैं कौन जेकोसी संख्यार आम जब एक जोग करवा ताहले तार परवर्त संख्या मिल पांच रे एक जोग कले के छ, तो पांचर परवर्त संख्या हूँ छे एक जोग कले आम के पाइबा ना एकश एक आम एकश एक पाइबा तो शहे परवर्त संख्या हूँ एकश एक। तो देख दुईश तेयालीस परवर्त संख्या
तो कहिला 243 रो परवर्ती संख्या केते। देखो आमे कोन करबा 243 रे एक जोग करि देबा, एक जोग कले केते मिलबो 244। तो 243 रो परवर्ती संख्या हला 244। एठारे लक्ष्य कर एथिरे शून्य थेला तो ता परवर्ती संख्या हला एक, शून्य रो एक बढ़ी गेला एक, एथिरे तीन रो एक बढ़िला हला ता परवर्ती संख्या चारि। तो एबे जे कोनोसी संख्या हो ए तीन अंक विशेष संख्यार एकक स्थान रे यदि शून्य अछि बा शून्य थेले ता हबो एक, एकक स्थान रे एक थिले से एक तार परवर्ती संख्या एक स्थान रे हबो दुई, दुई थेले हबो तीन, सेहीपरि एक एक बढ़ी थाए। देख 241 रो परवर्ती संख्या एथिरे एकक घरे एक अछि तो एक रु एक बढ़िले हबो दुई और 24 को आम लिखिदेबा तो यह 242। ए 24 को पुणी लिखा दुई रु एक बढ़िले हबो तीन शह है 243, तीन थी हम ता चार, 24 को आगे लिखिदेबा है 244, चार थी के हम यार परवर्ती संख्या पाँच, छत आठ एमती एकक घरे गोटे गोटे संख्या बढ़ एवं आर दुईट अंक जेते के सेते रहिबो माने 24 अच्छी तो सबुतिर 24 लेखा ही रहिबो। जदि कौनसी तीन अंक विशिष्ट संख्यार एकक स्थान न थिबो ताहले आमे तार परवर्ती संख्या किपर लिखिबा। देखो 9 र परवर्ती संख्या 10 तो 10 तो दुईट अंक अच्छी तो किपर गलिबा आमे मनकर संख्या रे हला 149। तो एतिर देखो दुईट अंक को नै जिबा, 10 को प्रथम 1 को लिखि देला ओ 49 रो परवर्ती संख्या हला 50। तो 149 रहला 150, सेमिति 219 रो लिखला बले आम कर 19 रो 20 और 2 को 2 लिखिदेबा, सेहीपरि 469 रो यह हम प्रथम 4 लिखिदेबा, 69 रो परवर्ती संख्या हला 60, तो यह हला 460। पूर्ववर्ती संख्या होची तार परवर्ती संख्यार पूर्ववर्ती संख्या। देख 4 अच्छी, 4 परवर्ती संख्या केते 5, 5 होला, 5 रो पूर्ववर्ती संख्या केते 4, 5 रो पूर्ववर्ती संख्या होला 4। हेले परवर्ती संख्याटी तार पूर्ववर्ती संख्यार परवर्ती संख्या होइथाय। एबे देखिबा 10 रो, 10 रो पूर्ववर्ती संख्या केते 11, 10 रो पूर्ववर्ती संख्या होची 11, तो यह 10 टा रु एक बड़ 11 रो पूर्ववर्ती संख्या होची 10, तो परवर्ती संख्याटी एक बड़ और पूर्ववर्ती संख्याटी एक सान होइथाय। ठीक अच्छे एबे आमे मध्यवर्ती संख्या विषय रे आलोचना करिबा। देखो मध्यवर्ती संख्या कौन, जे कौनसी दुईटी संख्यार मझीरे थिबा संख्या बा संख्या गुड़ी को सही दुई संख्यार मध्यवर्ती संख्या बोले कहा जाए थे। देखो दुईटी संख्यार मझीरे जो संख्याटे थी बा जो संख्या गुड़िक थी आम मध्यवर्ती संख्या बोले कहू। आम दुईट संख्या नवा 4 और 6, यार मझीरे क्यों संख्या थाए क्यों अंक थाए, यार मझीरे 5 थाए, तो यह 5 हूँ 4 और 6 मध्यवर्ती संख्या। एबे देखिबा 10 12 र यदि संख्यार मझीरे क्यों संख्या थाए 11, तो 11 हूँ 10 और 12 र मध्यवर्ती संख्या, यह 12 ठारु सान ओ 10 ठारु बड़ अटे। एक सौ कोड़े ओ 122 र मझीरे क्यों संख्या थाए ना 121 थाए, तो यही 121 हूँ 120 और 122 र मध्यवर्ती संख्या। तो 286 ओ 288 र मध्यवर्ती संख्या केते हबो कहिलो। देखो यह हूँ 286 या 288, तो मझीरे केते थाए 287, तो 287 हूँ ए दुई संख्यार मध्यवर्ती संख्या। यही मध्यवर्ती संख्या एकाधिक मध्य हो पारे माने यह जो दुईट संख्यार मध्यवर्ती संख्या थाए से मध्यवर्ती संख्या गुड़िक गोटे रू
अधिक मध्य हो पारे और मध्यवर्ती संख्या गोटे मध्य होता है, गोटे होता है किंबा गोटे रु अधिक मध्य हो पारे। तो ये देखिबा एकशह और एकशह दस रो मध्यवर्ती संख्या माने यार मझीरे क्यों क्यों संख्या अच्छी आस देखिबा, यार मझीरे क्यों क्यों संख्या अच्छी एक यार एकशह एकश दस मध्यवर्ती संख्या होची एकशह एक एकशह दुई एकशह तीन एकशह चारि एकशह पांच एकशह छ एकशह सात एकशह आठ और एकशह नौ। तो यह सब संख्या होची एकशह एकशह दस मध्यवर्ती संख्या। तो कहिलो दुईश चालीस और दुईश तेयालीस मध्यवर्ती संख्या गुड़िक के देख दुईश चालीस और दुईश तेयालीस मध्य क्यों संख्या अच्छी दुईश एक चालीस दुईश बयालीस और हाँ केवल ये दुईट संख्या अच्छी। तो यही दुईट संख्या हूँ ये दुई संख्यार मध्यवर्ती संख्या। आम मध्यवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या देख पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या विषय पढ़िले। तो ये पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती जान ला तो मध्यवर्ती संख्या गोटे मध्यवर्ती संख्यार ता आग संख्याटी हूँ पूर्ववर्ती संख्या मैंने पूर्ववर्ती संख्या हूँ एक सान और परवर्ती संख्या हूँ एक बड़। आम पूर्ववर्ती संख्या मध्यवर्ती संख्या और परवर्ती संख्या विषय जान ले तो आस किसी प्रश्न गुड़िकर उत्तर आलोचना करवा। देख प्रश्नटी हूँ निम्न संख्या गुड़िकर पूर्ववर्ती संख्या लेख यह हूँ एकशह चारि तो यार पूर्ववर्ती संख्या कैसे हे आसल देखा यार एक घर चारि अच्छी यार पूर्ववर्ती संख्यार एक स्थान में तीन रही है तो यार पूर्ववर्ती संख्या हम एकशह तीन एकशह छर एक स्थान में छः अच्छी तो यह हम पांच और दस को आम आगे डेकिद तो यह एकशह पांच एथिर एकक घर अंक अच्छी सात तो सात रु एक विजय कले कत ना छ तो आम छः को लिखिद तापर यह चौबीस को आगे लिखा यह दुईश छयालीस। तो ये देख तीन शह षाठी एक घर अंक शून अच्छी तेज आम दुईट अंक ना षाठी को षाठी पूर्ववर्ती है अणसठ तापर तीन को लिखिद है तीन शह अणसठ यह के चारिश अशी तो एम एक विजय करवा चारिश अशी विजय एक तो कैसे हम यह चारिश अणाशी तो तार पूर्ववर्ती संख्या है शून अच्छी तो ना आठटा होत और चारिटा चारि रारिश अणस्तरी है ये देख पांचशह बासठ एक घर दुई अच्छी तो आम लिखा एक छपन को लिखिद तो है पांचशह एकसठ पूर्ववर्ती संख्या विषय जान ला। तो ये देखा परवर्ती संख्या लिखा अंक संख्या गुड़िक अच्छी यार परवर्ती संख्या आम लिखा परवर्ती संख्या कहले कौन ना पछ परवर्ती संख्या कहले पछ संख्या यह एक बड़ होता है यह बाहर कला बेले आम एक जोग कर तो देख यहाँ अच्छी एकशह आठ यहाँ आम जो एक जोग करवा तो कैसे हम यह एकशह नौ तो आठ अच्छी तो ये नौ है एक स्थान देख दुईश तीन अच्छी यहाँ तो यार परवर्ती संख्या कैसे हम दुईश चार यह चारिश सतर तो एक घर के चारिश सतर सात अच्छी तो तार परवर्त संख्यार एक स्थान हम आठ और एक चालीस को आम लिखिद चारिश अठर यह के पांचशह अठावन एक स्थान में आठ अच्छी तो एक स्थान में एक जोग कले हम नौ पंचावन को आगे लिखिद तो यह पांचशह अणसठ यह दुईश उन्नीस एथेर एक स्थान में नौ अच्छी तो कौन करवा आम उन्नीस एक जोग करदे कोड़े और दुई को आगे लिखिद है दुईश कोड़े ठीक अच्छे एवं देख चारिश अणचाश यार यार परवर्ती संख्या कैसे हम अणचाश जोग करवा तो हम पचास चारि को आगे लिखिद चारिश पचास यह आठश तो यार परवर्त संख्या कैसे हम एर जोग एक जोग करवा तो यह आठश एक तो ये आम परवर्त ए संख्या गुड़ परवर्त संख्या लिखला एवं निम्न संख्या गुड़िकर
मध्यवर्ती संख्या लिख माने कौन यार मझीरे संख्या को लिखा एकश और एकश दुई यार मझीरे क्यों संख्या अच्छी यार मझीरे अच्छी एकश एक तो एकश एक यार मध्यवर्ती संख्या एकश एक तो ये देख दुईश अठचालीस और दुईश पचास यार मझीरे क्यों संख्या अच्छी देख यार मझीरे अच्छी दुईश अणचाश ହେଲେ ଦୁଇଶହ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଦୁଇଶହ ପଚାଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଦୁଇଶହ ଅଣଚାଶ ଏବେ ଦେଖ ତିନିଶହ ଉଣେଇଶ ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ ଏବେ ଦେଖ ତିନିଶହ ଉଣେଇଶ ଓ ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ତିନିଶହ ଉଣେଇଶ ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ ହେଲା ଏହାର ମଝିରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଏହାର ମଝିରେ ଅଛି ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଏକଶହ ଅଣସ୍ତରୀ ଓ ଏକଶହ ତେସ୍ତରୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଦେଖ ଏକଶହ ଅଣସ୍ତରୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ଏକଶହ ଅଣସ୍ତରୀ ତାପରେ ହେଲା ଏକଶହ ସତୁରୀ ଏକଶହ ଏକସ୍ତରୀ ଏକଶହ ବାସ୍ତରୀ ଆଉ ହେଲା ଏକଶହ ତେସ୍ତରୀ ତ ମଝିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ଏକଶହ ସତୁରୀ ଏକଶହ ଏକସ୍ତରୀ ଆଉ ଏକଶହ ବାସ୍ତରୀ ଏକଶହ ଅନେଶତ ଓ ଦୁଇଶହ ଦୁଇ ତ ଏକଶହ ଅନେଶତରୁ ଦୁଇଶହ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ଏକଶହ ଅନେଶତ ବୋଲି ହେଲା ଦୁଇଶହ ଦୁଇଶହ ଏକ ଓ ଦୁଇଶହ ଦୁଇ ତ ମଝିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦୁଇଶହ ଓ ଦୁଇଶହ ଏକ ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ତ ଏବେ କୁହ ତିନିଶହର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ତିନିଶହର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଅଛି ତ ଏହି ଦୁଇ ଶୂନଟି ହୋଇଯିବ ନଅ ଓ ଶତକ ଘରେ ଥିବା ତିନି ହୋଇଯିବ ତିନିରୁ ଏକ ବିଯୋଗ ହୋଇଯିବ ତାହା ହେବ ଦୁଇ ତ ତିନିଶହ ତିନିରୁ ଏକ ବିଯୋଗ ହେଲା ଦୁଇ ହେଲା ଏହା ହେଲା ଦୁଇଶହ ଅନେଶତ ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଛଅଶହ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଅଛି ତ ଦୁଇ ତିନି ନଅ ହେଲା ଛଅରୁ ଏକ ବିଯୋଗ କରିବା କେତେ ହେବ ପାଞ୍ଚ ତ ଛଅଶହର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପାଞ୍ଚଶହ ଅନେଶତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟି ନଅ ତେଲେ ତାହା ହେବ ଦୁଇଟି ଶୂନ ତାହେଲେ ଦୁଇଶହ ଅନେଶତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତିନିଶହ ତାହେଲେ ଏହି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଯଦି କୌଣସି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ତ ତାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ଦେଖ ଏକଶହ ଅନେଶତ ଦୁଇଶହ ଦୁଇର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଦୁଇଶହ ଦୁଇଶହ ଏକ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ବହିର ଆଗ ପଛ ଜାଣିବା ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।